हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे सो so, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अलगप्पा यूनिवर्सिटी की तरफ से आए हुए नोटिफिकेशन की येस yes, ये नोटिफिकेशं हैं फॉर पीएचडी एडमिशंस 2021 एडमिशन्स ट्वेंटी ट्वेंटी वन ओके सो येस इस इन्फॉर्मेशन को हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे कवर करेंगे अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए इसे शेयर ज़रूर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ओके सो ये सबसे इस इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए आपको विजिट करनी होगी इनकी वेबसाइट जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है सो so सिंपली आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन ओपन कर सकते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स होती हैं हैं वो आपको हमेशा मिलती इस वीडियो वीडियो में में भी मिल जाएंगी ओके okay? इस इस के डिस्क्रिप्शन सो डू चेक इट आउट एंड जब आप पर्टिकुलर वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो हेर यू कैन सी दिस ऑप्शन ऑफ लेटेस्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे स्क्रॉल हो रहे हैं ओके सो थर्ड नंबर पे है जो नोटिफिकेशन वो है रिलेटेड टू पी एडमिशन सो वट एस

टेन प्लस टू प्लस थ्री प्लस टू देट इज़ आपने टेंथ से लेकर के पीजी तक की क्वालिफिकेशन कंप्लीट की हो या इलेवन प्लस वन प्लस थ्री प्लस टू या टेन प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस टू पैटर्न तो आप एलिजिबल हैं प्रोवाइडेड कि आपके मार्क्स फ़िफ्टी फाइव परसेंट रहे हो ओके okay? पॉइंट वाइज लिखा है सो सेकेंड पॉइंट में आप देख सकते हैं सी एस टी ओ बी सी एंड पी डब्ब्ल्यू डी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए फिफ्टी परसेंट का है क्राइटेरिया एंड फॉर ऑल अदर कैंडिडेट्स फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स इज रिक्वायर्ड ओके बेसिक क्राइटेरिया है एम एड के लिए आप देख सकते हैं या आई मीन पी एच डी इन एजुकेशन के लिए आप देख सकते हैं एम एड हो या तो एजुकेशन और या फिर स्पेशल एजुकेशन में या एम ए हो एजुकेशन में ओके okay? सो so, आप एलिजिबल होंगे पी एच डी इन एजुकेशन के लिए राइट right? ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो कि बेसिक हैं बट बहुत ही ज़्यादा

पर्टिकुलर ऑप्शन एंड येस हम ओपन करेंगे इंपॉर्टेंट लिंक्स वाला ऑप्शन मिलेगा सो येस यू कैन सी नोटिफिकेशन इंस्ट्रक्शन एंड इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन अप्लाई सो ऑनलाइन अप्लाई जब करना होगा उससे पहले इन इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिएगा इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू राइट हम देखेंगे नोटिफिकेशन को और इंस्ट्रक्शन को सो चलिए वन बाई वन ओपन करते हैं और इसे देखते हैं सो so यस yes, ये है नोटिफिकेशन अलगप्पा यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी तमिलनाडु प्री रजिस्ट्रेशन क्वालिफाइंग एंट्रेंस एग्जाम सो दीज आर स्पेशली फॉर रिटर्न एग्जाम और एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कि फिजिकल मोड से होगा नेट सेट और गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन द रेलिवेंट डिसप्लिन आर एग्जेटेड सो आपको अपियर नहीं करना है एंट्रेंस में बट आई थिंक आपको अप्लाई करना होगा सो यस आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ आप एक बार कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा या तो ई से या फिर दैट हेल्पलाइन नंबर अभी हमने जो देखा था उस पर यू कैसे कॉन्टैक्ट ओके फॉर कंफर्मेशन बट यूजुअली यही होता है कि आपको यू नो अप्लाई करना होता है बट एंट्रेंस नहीं देना बट ये स्पेसिफिकली एंट्रेंस के लिए है सो तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि पहले कॉन्टैक्ट कर दीजिएगा सो दैट कन्फ्यूजन ना होके okay? एंड उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हैं इन दूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कॉन्स्टिट्यूंट कॉलेजेस एफिलिएटेड कॉलेजेस एंड अदर अप्रूव रिसर्च सेंटर्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटी एंड यस और भी कुछ बस ओवर है अब हम बात करते हैं फैकल्टी और डिसप्लिन की सो so फैकल्टी आप देख सकते हैं आर्ट्स है साइंस है मैनेजमेंट एजुकेशन है अब हम स्पेसि फिकली बात करेंगे डिसिप्लिन की सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी तमिल इंग्लिश विमेन स्टडीज हिस्ट्री सोशल वर्क फाइन आर्ट्स लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस ओके देन डिपार्टमेंट है मैथ्स का सो या डिपार्टमेंट मैथ्स है देन कंप्यूटर साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी मॉलिकुलर बायोलॉजी देन माइक्रो बायोलॉजी देन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी नाइन्थ इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स दैन बायो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बायोसेंस इलेवंथ इज ओशनोग्राफी Coastal area studies, zoology, then botany, then home science, 15th is geology, then energy science, and 17th discipline is biomedical sciences, then management, commerce, corporate. कारपोरेट सेक्रेटरीशिप बैंक मैनेजमेंट इंटरनेशनल बिजनेस सिक्स इज पॉलिटिकल साइंस एंड सेवेंथ इज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट ये मैनेजमेंट डिपार्टमेंट या मैनेजमेंट फैकल्टी के अंडर के डिसप्लिन थे एंड देन एजुकेशन जिसमें एजुकेशन है स्पेशल एजुकेशन है एंड फिजिकल एजुकेशन है ये आपके ओवरऑल डिसिप्लिन हैं जिनमें से किसी के लिए भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं ओके एंड देन क्राइटेरिया हमने देखा है फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स के साथ होना चाहिए आपके पास मास्टर्स डिग्री राइट यस अपियरिंग कैंडिडेट्स भी

होगी इन्फॉर्मेशन सिर्फ उसी को हम देखेंगे सो so yes, ये है इंस्ट्रक्शंस टू दी कैंडिडेट सेम ही है ऑलमोस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड ऑल यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है ये है डिफरेंट जो कि है पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन सो यहाँ पे यू कैन सी सबसे पहले तो एम फिल से रिलेटेड क्या लिखा है सो एंट्रेंस एग्जाम फॉर पी एच डी प्रोग्राम इज कम्पल्सरी फॉर ऑल दी कैंडिडेट्स इज रिस्पेक्टिव ऑफ परसूसिंग और नॉट परसूसिंग एम फिल एम फिल है या नहीं है इट डजेंट मैटर आपको देना ही होगा एग्जाम ओके बट ऑब्वियसली नेट सेट गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स एग्जिमटेड हैं ओके देन रिटर्न एग्जाम होगा इंग्लिश मीडियम होगा आपका ओके देन यहाँ पे है फॉर ऑल कैंडिडेट्स सीकिंग एडमिशन इन ऑल डिस सो जो तमिल लिटरेचर में है उसके अलावा बाकी सबके लिए है ये क्राइटेरिया क्या है सो एरिया ऑफ टेस्ट होगा टेस्ट होगा आपका जो रेलिवेंट सब्जेक्ट है उसकी नॉलेज टेस्ट होगी ओवरऑल सेवेंटी फाइव एम सी क्यूज होंगे सेवेंटी फाइव ही मार्क्स के होंगे और ड्यूरेशन होगा नाइन्टी मिनट ओके तमिल लिटरेचर के लिए जो आपकी सब्जेक्ट नॉलेज है तमिल में वो टेस्ट होगा सेवेंटी फाइव ही क्वेश्चन होंगे सेवेंटी फाइव मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपके सारे एम सी क्यू बेस्ड होंगे एम सी क्यू होंगे और जो स्टैंडर्ड होगा वो पी जी लेवल का होगा राइट सो यस ये बेसिक कुछ बात थी स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपका जो रिटर्न होगा उसके लिए एंड येस yes, आपको आप पूछेंगे अबाउट द फेलोशिप सो आपने देखा कुछ भी स्पेसिफिक नहीं मेंशन है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ यूजुअली प्रोवाइड नहीं करती या फिर करती भी हैं तो कुछ लिमिटेड कैंडिडेट्स को करती है बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी सो अगर आप इंटरेस्टेड हों अप्लाई करने में तो आप पहले ये सारी चीज़ें क्लियर कर लीजिएगा तब अप्लाई कीजिएगा सो दैट इज़ इट ये था आज का अच्छा वीडियो ये थी इन्फॉर्मेशन अगर हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड येस दैट इज़ इट थैंक यू सो मच फॉर वॉच Thank you